सो 19 सितंबर इज हियर, आज शाम 7:30 बजे फाइनली आईपीएल 2020 स्टार्ट होने वाला है। एक बार के लिए तो अमिडस्ट ऑल दिस कोरोना पैंडेमिक लगा नहीं था कि इस साल हमें आईपीएल देखने का मौका मिलेगा, बट नाउ दैट आईपीएल इज स्टार्टिंग, नथिंग बेटर देन टू स्टार्ट विथ एमआई वर्सेस सीएसके। एंड जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स ड्रीम इलेवन की टीम्स बनाने का टाइम भी चालू हो रहा है। तो दिस इज आयुष, यू आर वॉचिंग डिब्ली डॉब्ली एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रिडिक्शंस, माई बेस्ट इलेवन फॉर द एमआई वर्सेस सीएसके मैच टुनाइट इन आईपीएल 2020। सो जब एमआई वर्सेस सीएसके की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों से काफी टाइम्स एमआई हैज डिफीटेड सीएसके इन दैट गेम्स। इस साल मुझे लगता है एमआई इज स्ट्रॉन्गर देन एवर अगेंस्ट सीएसके, क्योंकि सीएसके दो अपने की प्लेयर्स को मिस करेगी, एक तो सुरेश रैना जो कि लेजेंडरी परफॉर्मर रहे हैं उनके लिए ओवर ऑल दीज इयर्स, एंड देन हरभजन सिंह जो कि एक एक्स एमआई प्लेयर है, एक वैरायटी देते हैं उनकी बॉलिंग को विद हिज ऑफ स्पिन एंड हिज एक्सपीरियंस। सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा एमआई हैवी गया हूं इन माय सिलेक्शन। कमिंग टू द प्लेयर्स दैट आई हैव सिलेक्टेड, कीपर्स में मैंने धोनी को नहीं सिलेक्ट किया बिकॉज वो थोड़ा लो बैटिंग करेंगे एंड ही वुड नॉट गेट टू फेस इनफ बॉल्स आई थिंक। क्विंटन डीकॉक को सेलेक्ट किया है मैंने एज द कीपर बिकॉज क्विंटन डीकॉक आई वुड से टॉप ऑर्डर में ओपनिंग में वो एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकते हैं एमआई को जो नीडेड होगा इन अ लो स्कोरिंग गेम आई सस्पेक्ट। इसके सिवा एक सरप्राइज पिक मैंने लिया है ईशान किशन को बिकॉज सीएसके की अगर आप बॉलिंग देखें तो वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, वहां पे लेग स्पिनर्स हैं, एंड इन दोनों को एक लेफ्टी ईशान किशन काफी अच्छा खेलते हैं, इसलिए मैंने ईशान किशन को सेलेक्ट किया है एज द सेकेंड कीपर। बैट्समैन पे आएंगे तो मैंने सीएसके के दो टॉप थ्री में से दो ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है, फाफ डुप्लेसी एंड अम्बती रायडू। वॉटसन के लिए मैं नहीं गया क्योंकि वो जनरली टूर्नामेंट में स्लो स्टार्ट करते हैं, फाफ डुप्लेसी एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, हैंडी नंबर ऑफ रन्स बनाएंगे एंड आई थिंक रायडू को इस बार टॉप थ्री में मौका मिलेगा तो वो खुद को प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके सिवा ऑफकोर्स रोहित शर्मा हैज टू बी पिक्ड फ्रॉम एमआई एज द थर्ड बैट्समैन एंड मैंने उनको कैप्टन भी बनाया है मेरी टीम का। ऑलराउंडर्स की तरफ आएंगे तो ऑलराउंडर्स में यस पॉइंट फॉर चॉइस क्योंकि एमआई और सीएसके दोनों के पास बहुत बढ़िया ऑलराउंडर्स है, बट मैंने इसमें थोड़े डिफरेंट पिक्स लिए हैं। आई हैव नॉट गॉन फॉर द माइटी काइरन पोलार्ड बिकॉज आई फील पोलार्ड माइट नॉट गेट इनफ बॉल्स टू बैट। हार्दिक पांड्या वॉज अ डिफिकल्ट वन टू चूज बट मैंने अभी के लिए उनकी जगह ड्वेन ब्रावो को लिया है फ्रॉम सीएसके बिकॉज आई फील ब्रावो विल बोल एट द डेथ एंड गेट दोज विकेट्स व्हिच ही ऑलवेज डज। उसके सिवा मैंने कृणाल पांड्या और रविंद्र जडेजा को लिया है, अगेन बोथ लेफ्टीज, बोथ सिमिलर टाइप ऑफ बोलर्स। आई फील कृणाल पांड्या वुड स्पेशली डू वेल अगेंस्ट द सीएसके का राइटी बैटिंग ऑर्डर। एंड दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जडेजा को इस बार थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे एमएस धोनी, क्योंकि अगेन इफ यू सी द टॉप सिक्स टॉप सेवन ऑफ सीएसके इट इज ऑल राइटीज, तो वहां पे जडेजा शायद थोड़ा ऊपर बैटिंग करने हैं एंड साथ साथ ऑफकोर्स स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में ही विल श्योरली बोल वेल। कमिंग टू द बोलर्स आई हैव गॉन फॉर जसप्रीत बुमराह, ऑफकोर्स नियर आई वुड से कंपल्सरी चॉइस क्योंकि डेथ पे हमेशा विकेट्स लेते हैं, एंड इमरान ताहिर हु हैड अ ब्रिलियंट सीपीएल एंड अ वेरी गुड पीएसएल, तो उनको सिलेक्ट करना बनता है बट समहाउ देर इज अ चांस कि ही मे नॉट फीचर इन द फाइनल 11 क्योंकि सीएसके इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स एंड लेगीज स्पेसिफिकली। तो अगर इमरान ताहिर नहीं होते 11 में तो आई सजेस्ट कि आप उनकी जगह लुंगी एंगिडी या फिर जॉश हेजलवुड हुएवर इज अ पार्ट ऑफ द 11, अगर लुंगी एंगिडी पार्ट है 11 के तो आप उनको सिलेक्ट करें, अगर वो नहीं है तो फिर यू कुड गो विद समवन लाइक पीयूष चावला ऑल्सो बिकॉज अगेन ही इज अ लेगी ऑन अ कंडीशन ऑन अ पिच लाइक दिस ही विल परफॉर्म वेल, बट एट दिस पॉइंट आई विल गो विद ताहिर इन माई टीम। एंड द लास्ट प्लेयर इन माई टीम वुड बी नेथन कुलटनील। कुलटनील एमआई के फ्रेश बाय हैं, आई थिंक ही विल प्ले एट दैट 7-8 नंबर स्लॉट वेर ही कैन प्ले अ गुड कैमियो एंड ऑल्सो थोड़ा डेथ पे बॉलिंग करेंगे विद बुमराह रादर देन ट्रेंट बोल्ट जो कि शुरू में बॉलिंग करेंगे। सो कुलटनील को हमेशा विकेट्स मिलते हैं, ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर पार्टनरशिप ब्रेकर, सो आई फील ही विल डू वेल। सो दिस वॉज माई टीम। कमिंग टू द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन, एज आई सेड रोहित शर्मा मेरे कैप्टन है, सेफ बैट समवन हु इज एक्सपेक्टेड टू रेक इन ह्यूज नंबर्स इस आईपीएल में क्योंकि पिछले 2-3 आईपीएल थोड़े से शांत रहे हैं रोहित शर्मा के बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स।
सो रोहित शर्मा मेरे कैप्टन होंगे. वाइस कैप्टन के लिए आई वॉन्ट टू नॉमिनेट रविंद्र जडेजा, बिकॉज आई फील ये आईपीएल उनके लिए भी एक ब्रेक थ्रू आईपीएल हो सकता है. ही इज बीन इन ट्रिमेंडस फॉर्म विथ बैट लेटली फॉर इंडिया. सो उनको अगर बैटिंग रोल थोड़ा और ज़्यादा मिले, एंड जो मुझे लगता है एमएस जरूर देंगे कंसिडरिंग रैना अवेलेबल नहीं है, तो जडेजा वुड बी द शाइनिंग स्टार फॉर सीएसके दिस ईयर. सो दैट्स माई फाइनल 11. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको मेरी 11 कैसी लगी. मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार ये 11 अच्छे से मेंशन भी कर दूंगा. ऑल द बेस्ट फॉर द गेम. होप यू डू वेल, एंड मोर देन एनीथिंग लेट्स होप कि वी गेट एन अमेजिंग फर्स्ट गेम ऑफ आईपीएल 2020.